विरोधी खेमे के खिलाफ पार्टी हाईकमान का खुला समर्थन मिलने से उत्साहित कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके समर्थकों ने आज राहत की सांस ली है। वहीं उनके समर्थकों की तादाद भी बढ़ने लगी। गुरुवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने अपने आवास पर डिनर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा 58 विधायक और 8 कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। राज्य में 4 मंत्री मुख्यमंत्री को बदले जाने की मांग कर रहे हैं। उनमें से 3 मंत्री दिन में हुई मंत्री परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के घड़ों के बीच टकराव की पृष्ठभूमि में सिंह ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार अमरिंदर सिंह ने खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के सरकारी आवास पर पार्टी के करीब 58 विधायकों और 8 सांसदों से मुलाकात की। इस बीच जानकारी मिली है कि डिनर पार्टी के दौरान कैप्टन ने सभी विधायकों मंत्रियों से निजी स्तर पर बातचीत की और उनके हलकों के बारे में जानकारी भी हासिल की। इससे पहले गुरुवार दोपहर राणा सोढ़ी ने विरोधी खेमे पर निशाना साधते हुए उन्हें सलाह दी थी कि इस तरह पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सोढ़ी का कहना है कि कैप्टन को बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता और इस संबंध में हाईकमान ने भी विरोधियों को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन की कार्यशैली से हाईकमान संतुष्ट है। उन्होंने विरोधियों को नसीहत दी है कि मिल बैठ कर मसले हल कर लेने चाहिए। इससे पहले दिन में कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाबजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया और सुखजिंदर सिंह रंधावा राज्य मंत्री परिषद की डिजिटल बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक की अध्यक्षता अमरिंदर सिंह ने की, हालांकि मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बैठक में शामिल हुए। राज्य में कांग्रेस के 80 विधायक और 8 सांसद हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।